बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर सबसे पहले अपने ट्राउज़र की लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारा जितना भी ट्राउज़र है, यहाँ से नीचे बॉटम से हम इसमें से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है, यहाँ ऊपर लास्टिक से तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते ही हैं लास्टिक बेल्ट बनाने के लिए, लेकिन फोल्डिंग से 1 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी बॉटम से। ये बॉटम से मैं 8 इंच की मार्किंग करूँगी। 7 इंच पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो हाँ, नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए 8 इंच एक एक्स्ट्रा मार्क कर कर लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम ये मार्क लगा के 8 इंच पर कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसको पेस्टिंग पेपर पर चिपका लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इस अपने पोंचों को पेस्टिंग पेपर पर चिपका लिया है। अब व्यूअर्स, हम इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमें जो हिस्सा ऊपर बॉटम की साइड पर जोड़ना है, सॉरी, जो हिस्सा हमें ऊपर अपने ट्राउज़र के साथ जोड़ना है, उस हिस्से पे मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हिस्सा ऊपर साइड पर जुड़ेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, ये जो मेरा पोंचा है, ये टोटल 8 इंचेस का है, सॉरी 8.5 इंचेस का है, तो टोटल 17 इंच का आ रहा है। ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो 8 इंच का ट्राउज़र रह जाएगा। अब व्यूअर्स, यहाँ से मैं 2-2 इंच पर मार्क करूँगी। ये देखें इस तरह से पूरे बॉटम पर मैं अपने 2-2 इंच पर मार्क लगाकर सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, ठीक है व्यूअर्स। ये डिज़ाइन हम क्रॉस में भी बना सकते हैं, स्क्वायर में भी बना सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स, अब मैं इसकी चौड़ाई पर, पहले हमने लंबाई पर निशान लगा लिया, अब चौड़ाई पर सेम इसी तरीके से 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्वायर का डिज़ाइन बना रही हूँ, स्क्वायर बॉक्सेस बनाऊंगी। तो ये देखें, ये बॉक्स हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से आप क्रॉस में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं गोटे अटैच करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एंकर का धागा भी, एंकर के धागे से भी आप ये डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एंकर का धागा जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये मार्किंग पीछे करनी पड़ेगी, पेस्टिंग पेपर के पीछे, ताकि हम बाइबिन जब लगाएं तो वो आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर गोटा यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर इस तरह हमने जो लाइन लगाई है, गाइड लाइन हमारी ये तैयार है। इस गाइड लाइन पे हम अपने घोटे को रखकर स्टिच करेंगे। इस तरीके से सीधी सीधी लाइनें हम लगाते जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए इस तरह से सब लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी तमाम लाइनें तैयार कर ली हैं। अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पर हमारा बॉक्स तैयार है। अब हमने जो मार्किंग लगाई थी, अब नीचे बॉटम पे हम पाइपिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें व्यूअर्स, हमें अंदाज़ा था कि ऊपर जो हमने मार्क लगाया है वो हमारा ट्राउज़र के साथ जॉइंट होगा, और नीचे वाला जो है ये हमारा बॉटम है। तो ये व्यूअर्स, यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो पाइपिंग की राइट साइड को मैंने ऊपर रखा है। उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, और बारीक सिलाई लगाएंगे हम। ये डोरी पाइपिंग बना रही हूँ मैं, ये देख लें आप इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे ट्राउज़र पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर टर्न करेंगे, तो ये हमारी बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग बाहर आ जाएगी। ये देखें इस तरह से, इस तरह से पाइपिंग बाहर आने के बाद हम यहाँ पर हैंड से तुरपाई करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, हम इसे अब बॉटम के साथ, जो अपने ट्राउजर के साथ जोड़ेंगे यहाँ पर इसे। ये देखें, जो हमने पैटर्न तैयार किया है उसकी राइट साइड और ट्राउजर की राइट साइड को आपस में मिला के रखेंगे, और एक सीधी सिलाई लगाकर इसे टर्न कर लेंगे। से पहले इसकी सेटिंग करेंगे ताकि कपड़ा हमारा आगे पीछे ना हो, इसके बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है,
और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको हर छोटी सी समझाऊँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर हमने बॉटम के साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम हर बॉक्स में चाहे तो पर्ल्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। अब यहाँ पर व्यूअर्स हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये व्यूअर्स, ये डिज़ाइन हम अपने दामन और आस्तीन पर भी तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और नीचे कमेंट कर ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।